हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती सब ठीक होंगे। तो आज का वीडियो है, आज कोई व्लॉग नहीं है, आज कोई कुकिंग नहीं है। तो आज मैंने आपको दिखाना है अपना जो पर्स कलेक्शन है, मैंने आपको वो दिखाना है कि मैं क्लचेस, पर्स, हैंडबैग्स जो मैं कैरी करती हूँ और मुझे किस तरह से पसंद है और मैं किस तरह से ख़रीदती हूँ, मुझे किस तरह से पसंद है। ठीक है, तो आज मैंने आपको वो दिखाना है कि मेरे पास जो, और रोहन जो है ना, तो वो बस मम्मा मम्मा कर रहा है। तो आज मैंने आपको दिखाना अपना पर्स कलेक्शन। ठीक है, मेरे पास कौन से हैंडबैग्स हैं, कलर्स हैं। ठीक है, तो फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो पहला मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं रेगुलर जो घर के लिए उठाती हूँ वो मैंने आपको दिखाना है। ये वाला कच, ये मैं रेगुलर उठाती हूँ। इसकी देखिए, आप लोग यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, यहाँ से आपको साइड से पता चल रहा होगा कि मैं रेगुलर उठाती हूँ आने जाने के लिए। कहीं भी जाती हूँ, बाजार जाती हूँ, मम्मी के घर जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो ये मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। और नव्य अनव्य को देखिए, पूरी बस पता नहीं कौन सी सोच में चली गई है। और ये भी मैंने रेगुलर यूज़ करनी है, करती हूँ। ये भी क्लच और ये भी मिट्टी लग गई है, और ये कुछ पोम पोम सा लगा हुआ है इसमें, और ये इस तरह से खुलता है। और इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे जो है पॉकेट बने हुए हैं, इसमें हमने अपने कार्ड वार्ड वो भी रख सकते हैं। और यहाँ पर जिप दी हुई है, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सेक्शन है सारे कार्ड वगैरह रखने के, और यहाँ भी। ठीक है, तो एक ये है, ये भी मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ आने जाने में, ये भी रेगुलर यूज़ करती हूँ। दोनों मेरे पर्स जो हैं बहुत ही मेरे समझ लिए, मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये मैं ये तो मैं उठाती हूँ। ठीक है, और इसके अलावा जो कभी कभार मैं ये वाला पर्स उठा लेती हूँ, और इसका ये बेल्ट है, और ये इस तरह का इसका ये जिप है, ये जिप है, बीच में भी जिप है, ये एक वो है क्या कहते हैं, एक पॉकेट बना हुआ है इसमें भी, और पीछे भी जिप है इस तरह की। तो ये भी है। ठीक है, और इसके अलावा जो है क्लच, ये वाला क्लच है मेरे पास, इसमें भी इस तरह का पॉम पॉम लगा हुआ है, और ये क्लचेस है, ये मैं आने जाने में उठाती हूँ, ज़्यादा रेगुलर में यूज़ नहीं करती हूँ। रेगुलर में यूज़ करूँगी तो ये जो है ये पूरा ख़राब हो जाएगा, तो ये मैं आने जाने में सिर्फ यूज़ करती हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो मेरे पास है ना, मैं दिखाऊँ, और ये शादियों में मैं उठाती हूँ। अच्छा, ये अन्ना बैग है। ठीक है, अन्ना बैग है, ये अन्ना बैग उठाती है। अन्ना बैग को खुद देखें आप लोग कितनी छोटू सी है, और ये पर्स कितना बड़ा उठाती है। यहाँ पर देखिए नग लगे हुए हैं, और ऐसे खोलेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, ना कोई जेब है, ना कोई डब्बा है, खाली डब्बा, और यहाँ पर छोटा सा पॉकेट बना हुआ है। तो ये शादी में उठाने के लिए यूँ हाथ में बिल्कुल सही रहता है पर्स, जैसे कि हाथ में उठाने की, क्योंकि ना इसे मोबाइल होता है, कचरा पड़ा होता है, कचरा नहीं पड़ा होता। और ये जो है ये मेरी शादी का है, इसमें से आप देख सकते कितने नग जो है वो निकल चुके हैं। तो ये मेरी शादी का है, वलीमे में मैंने उठाया था शादी का। और इस तरह का ये इसमें जो जिप है, यहाँ पे भी जिप है, और अच्छा खासा जो है वो है, और ये बंद भी नहीं होता, देखें आप लोग, पता नहीं कैसे बंद होगा, बंद ही नहीं हो रहा है। ये कुछ इस तरह का है, अभी ये जैसे बंद हो नहीं रहा है, ये बंद हो जाएगा, तो ये इस तरह से ये कुछ है। और माशाल्लाह से देखिए बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, सिर्फ नग निकले हैं, वो भी गिरने की वजह से बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। देख सकते हैं आप कितनी इसकी जो जो है वो कितनी अच्छी है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। आधा के इसको पूरे 9 साल हो गए, मेरी शादी को 9 साल हो गए, लेकिन बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। और अब ये अनाव्या का है ना, अनाव्या अब ये अनाव्या यूज़ कर, और ये मेरा है, देखें ये मेरा है। ठीक है, तो इसके बाद जो है बैग की बारी आती है, ये है बैग, इसमें भी पॉम पॉम लगा हुआ है। मुझे इस तरह के बैग बहुत पसंद है, और ये काफ़ी वजनी भी है, काफ़ी ज़्यादा वजनी है, यहाँ पर भी जिप दी हुई है,
और यहाँ देखोगे तो अंदर की साइड भी ज़िद्दी हुई है और अंदर अच्छा खासा बड़ा है, आप देख सकते हैं। और मुझे इसी तरह के बैग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये देखिए कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताना, ठीक है। और बिल्कुल लास्ट जो है बैग वो भी दिखाती हूँ, वो तो मैंने एक बार ही उठाया, उठाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि अब तो माशाल्लाह रोहन भी है तो रोहन को उठाऊँ कि बैग उठाऊँ, तो बैग उठाती नहीं हूँ। बस ये है कि इसमें कुछ स्टोन लगे हुए हैं, स्टोन लगे हुए हैं, और ये कुछ कपड़ा सा है, और यहाँ पर जो है टेडी भी लगा हुआ था छोटा सा, वो निकाल दिया नाव्या ने। और इसके अंदर जो है ये, बस ये एक ज़िद दी हुई, अंदर कोई ज़िद नहीं है, देख लें आप लोग, अंदर कोई भी ज़िद नहीं है, ठीक है। ये पूरा खाली है, अंदर बिल्कुल डब्बा है डब्बा। अगर मैं कहीं जाती भी हूँ तो इसमें कुछ पर्स कैश पैसे रखने के लिए कोई भी छोटी सी जिप नहीं रखी हुई, तो मुझे अलग से एक वॉलेट उठाना पड़ता है। और ये अनाब्या को पर्स उठाने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों ने बताना है कि जो मेरे पास पर्स कलेक्शन है वो आपको कैसी लगी। तो आज की वीडियो यही थी, और रोहन को देखें एक बार आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप लोगों ने करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।